कि रावी देवी सवाल कौन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि रावी देवी से अच्छी महिला है द्रौपदी मुर्मू। तो बीजेपी के लोगों को कब ये लोग नहीं बोलते, ये लोग महिलाओं का सम्मान करना इनको पता है क्या क्या होता है? कुछ नहीं जानते। और जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग क्यों विरोध कर रहे थे? लेकिन राजनीति में तो बवाल मचाना है तो मचा दे। नित्यानंद राय जी ने भी बहुत IVTV देखता है इंडिया। सर किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक से लेकर मंत्री तक, यहाँ तक कि रावी देवी सवाल कौन गया? मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि रावी देवी से अच्छी महिला है द्रौपदी मुर्मू। अच्छी और बेहतर महिला का बात नहीं हो रहा है, कौन बेहतर? यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक यशवंत सिन्हा जी हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इस चुनाव में MP MLA जो है वोटर होते हैं, यानी हम वोटर हैं, आप भी वोट देते होंगे, MP MLA चुनते होंगे, तो आप उसके सामने जब ऑप्शन आता है तो आप देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव है, अगर हम वोटर हैं तो हम तो इंतज़ार करेंगे ना कि वो प्रत्याशी कुछ बोले कि जब राष्ट्रपति बनेंगी तो क्या काम करेंगी। तो हम तो उसके लिए, तो हमने तो वो सुना नहीं, हमने तो यशवंत सिन्हा जी का सुना है। अब किसको बीजेपी के लोगों को कब ये लोग नहीं बोलते थे? ये लोग महिलाओं का सम्मान करना इनको पता है क्या क्या होता है? कुछ नहीं जानते। महिलाओं की बात थी, इतना महिला भी कर रहे हैं। जब प्रतिभा पाटिल जी को पहली बार किसने देश का राष्ट्रपति बनाया, और जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो ये भाजपा के लोग क्यों विरोध कर रहे थे? वो तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति की चुनाव की बात थी। और अभी भी हमको मुर्मू जी से कोई व्यक्तिगत कोई हमारा थोड़ी ना दुश्मनी है, भली महिला है, अच्छी महिला है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र को बचाए। और जहां अराजकता का माहौल है, जहां नफरत परोसा जा रहा है, जहां धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जहां बेकार के कानून बनाए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं, सब लोग सड़कों पर हैं, उस माहौल में एक उम्मीद होता है राष्ट्रपति। तो हमको ऐसा मजबूत राष्ट्रपति चाहिए कि हर स्थिति को वो संभाले, सरकार को चेक एंड बैलेंस करे। जहां सरकार, जो आज का माहौल है जहां सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, वहां एक राष्ट्रपति ही उम्मीद होती है। हम तो ऐसा राष्ट्रपति चाहेंगे ना। तो हम तो कौन क्या कहता है इस पर हमको नहीं कहना, लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछते हैं, मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा, हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। जो सवाल पूछता है उसका तो कुछ होता नहीं है। लेकिन राजनीति में तो बवाल मचाना है तो मचा दे। नित्यानंद राय जी ने भी बहुत